स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे ऐसे एक स्टॉक के बारे में जहां से आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन पैसा बनने वाला है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक के अंदर आता है बहुत ही कम पैसे में मिलता है 16 रुपये। ठीक है, 16 रुपये में अभी ये स्टॉक आप लोगों को मिल रहा है जिसका जो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में 1 करोड़ का आपको मुनाफा देगा। कभी ये स्टॉक हुआ करता था 2 से 3 रुपये का आसपास, जहाँ से ये रैली लेके चला गया था 100 रुपये के ऊपर, तो अभी फिर से ये आ गया नीचे की तरफ 16 रुपए के आसपास और यहाँ से फिर से ये रैली करेगा। तो जान लेंगे हम कौन सा स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके पहले सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा वो स्टॉक जो है अभी 16 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, जहाँ से अगर आप लोग ऑल टाइम देखते हो तो 19.76% का आपको प्रॉफिट दिखाई देता है। लेकिन ये स्टॉक अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो कि किस लेवल पर था, देखिए 3 रुपये में कब था, 2021 30 अप्रैल, मतलब 1 साल पहले तक। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल, 2021 के अप्रैल से लेके 2022 के अप्रैल और अभी 2023 के अप्रैल, मतलब 2 साल हुआ है ये स्टॉक। पिछले 1 साल में ये स्टॉक आपको इस लेवल से इस लेवल तक जा था, जहाँ पर आप और इस लेवल पे वैल्यू देखते हो ये 100 जो है ये लेवल आपको कितना आता है दिखा देता हूँ। देखिए जो हाई गया था वो 117 के आसपास गया था, 120 रुपये के आसपास जो है ये हाई गया था। कहाँ से गया था ये, 3 रुपये से 120 रुपये, मतलब कितना गुना आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, 70 गुना पैसा हो गया। मतलब 1 रुपये 70 रुपये हो जाता था, अगर आप लोग 1 लाख लगाते 70 लाख रुपये आपका बन जाता, ठीक है, 1 साल के अंदर। तो वही स्टॉक अभी फिर से ये गिर के कहाँ तक आ गया है, 16 रुपये के आसपास आ गया है। और अगर आप लोग देखते हो तो क्यों ये गिरावट हो रहा है, क्या स्टॉक के अंदर कुछ बुराई है खराबी है, बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का फंडामेंटल हम लोग देख लेंगे। देखिए ये स्टॉक का जो नाम है आप लोग शायद इसे पहले भी सुने होंगे, लेकिन जो चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गाइज। यहाँ पर अगर आप लोग तो स्टॉक के अंदर 2019 से लेके इसका जो फंडामेंटल देखते हो तो जहाँ पर सेल्स 860 था करोड़ का, वहाँ पर अभी दिसंबर 2022 में जो सेल्स है 2865, मतलब कितना दुगना ये गेन किया है, फिर भी स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं हुआ है, क्यों कम हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ पर जहाँ पर ये 229 करोड़ का था वहाँ पर 816 करोड़ का, कितना बेहतरीन है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जहाँ पर 144 करोड़ का था वहाँ पर 544 करोड़ का, कितना गुना हो गया, ठीक है। तो इसका जो इतना चेंजेस होने के बाद भी, इतना अच्छा ही होने के बाद भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका प्रोमोटर की वजह से ऐसा हो रहा है। प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग अपना होल्डिंग बढ़ाने के लिए लोगों को गलत दिशा दिखा रहा है, और जहाँ पर से लोगों को लगता है कि स्टॉक जो है गिरेगा और वही चीज़ हुआ है, और प्रोमोटर अभी अपना जो है स्टॉक एक्वायर कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हो और देखते हो प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, दोस्तों प्रोमोटर्स देखो अपना होल्डिंग मार्च 2022 दिसंबर 2022 21 में जो है शेयर होल्डिंग कम कर लिया। पहले इन लोगों का शेयर होल्डिंग 36 था, अभी देखो 18.47% तो दोस्तों ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके शेयर होल्डिंग कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो नेक्स्ट क्वार्टर का ये लोग कुछ भी अपडेट नहीं दिया दिसंबर के बाद, तो ये लोग क्या करेंगे, जहाँ जो पब्लिक के पास शेयर था देखिए 67% था, अभी 66% 77 था, अभी कहाँ तक आ गया, और सारे शेयर्स कौन खरीद रहा है, ये लोग खरीद के एक्वायर कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग देखोगे पब्लिक के पास ये पैनिक जो गिरावट हुआ था, अगर आप स्टॉक के अंदर जो गिरावट आप लोग देखे होंगे प्रीवियसली, मैं आपको दिखा देता हूँ ये गिरावट में क्या हुआ था। गिरावट में लोग इसको सेल करके निकल गए, ठीक है। देखिए स्टॉक के अंदर किस तरीके का गिरावट होता है, मैक्सिमम दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए स्टॉक के अंदर किस तरीके से गिरावट हुआ है, 4 रुपये तक आ गया। कभी ये स्टॉक जो है अगर आपको प्रीवियसली हाई था, फिर जो है इतना गिरावट के बाद फिर से ये जो है रैली किया है, ये रैली आप लोगों को फिर से गिरा है, और अभी फिर से ये गिरावट पे बाद फिर से अगर आप लोग टेक्निकली पैरामीटर के बेस पे देखते हो इसका अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, फिर से एक रैली देगा, और ये रैली प्रीवियस जो हाई है आप लोग देखे थे 120 रुपये के आसपास, इसको भी ब्रेकआउट लेते हुए नज़र आएगा। दोस्तों अभी भी अगर समय है इसका अंदर एक्वायर कर सकते हो, कम्प्लीटली आपके खुद का एनालिसिस होना चाहिए, मेरे बात पर यकीन करके ही नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग खरीद लो, क्योंकि ये जो है किसी भी स्टॉक पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आपको सोच समझ के लगाना है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव वाइब है वो है स्टॉक PE 2.40, 3000 करोड़ का कंपनी है, जहां पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक का लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखने के लिए, काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर आपको बताया, और ब्राइटकॉम ग्रुप
लिमिटेड, ये कंपनी का BCG कंपनी का नाम है दोस्तों। ये कंपनी क्या काम करता है, टेक के ऊपर काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक के ऊपर काम करता है, जहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये स्टॉक जो है बहुत आगे भी जाने वाला है दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए, और आने वाले समय में इससे भी खतरनाक तरीके का आपको स्टॉक मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।